वेलोसिटी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 7। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया है, एक ये है और एक और ये भी है, दोनों ले लेते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सभी लोग अटेम्प्ट करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला इसमें कह रहा है कि डिस्क इज रोटेटिंग फ्रीली एज शोन इन फिगर, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एंगुलर स्पीड इफ टेम्परेचर राइज बाई 100। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा रोटेशन से भी लिंक्ड है। जैसे कोई भी डिस्क अपने एक्सिस में घूम रही है अगर, ठीक है, तो अब उसको अगर हीट करेंगे तो हमको पता है कि एक्सपैंड करेगी, उसका रेडियस बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो जो उसका रेडियस इंक्रीज करेगा उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा। सोचो ना, मास सेम रहने वाला है, डिस्क का मास सेम रहेगा बट एक्सपेंशन की वजह से रेडियस चेंज हो जाएगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। अब व्हाइल हीटिंग देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, आई थिंक उस सिस्टम पे ना जो अपने एक्सिस पे डिस्क घूम रही है उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा नहीं है जब हम हीट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल बराबर आई फाइनल ओमेगा फाइनल, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कुल मिला के आई कैन से आई ओमेगा बराबर कॉन्स्टेंट। तो यहां से ओमेगा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आई आ गया, जिससे मुझे पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। हमको पता है यहाँ पे कि हीट करने से क्या बढ़ेगा, रेडियस, और रेडियस के चेंज करने से ही आई चेंज हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली ओमेगा भी चेंज करेगा। अगर मैं क्या मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बिकॉज मास इज फिक्स, तो आई प्रोपोर्शनल टू ये आ गया वन अपॉन आर स्क्वायर। इन शॉर्ट प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट वही है, मतलब प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ है, ध्यान रखना। ये एक्सप्रेशन आ सकता है, बताओ। इसको अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेंगे लाइक एरर, ऐसे एरर में करते थे, तो बताइए क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा बराबर, बोलिए सहज कितना आएगा, टू डेल्टा आर बाई आर आई थिंक, बोलिए ये तो आएगा। और आगे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आई थिंक हम लोग ओमेगा का ओमेगा में चेंज परसेंटेज वाइज निकाल सकते हैं। अब डेल्टा आर बाई आर मतलब क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी, बोलिए हाँ या ना। रेडियस में चेंज इज अ लीनियर एक्सपेंशन, बोलिए रेडियस में चेंज कैसा एक्सपेंशन है, इसलिए अल्फा आ गया है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू में कितनी दी है वो लिख लेते हैं, 10^-5, तो 2×10^-5 टेम्परेचर चेंज 100 था और ये भी 100 है। ऑन सॉल्विंग ये आएगा 0.2%, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये डिक्रीज होगा, क्या होगा जी, उससे कर लो, लेकिन उससे कैलकुलेशन बढ़ ही ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि चेंज निकालना पड़ेगा है ना, मल्टीप्लीकेट ऐसे भी आ जाएगा, बात एक ही है आई थिंक। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एंगुलर स्पीड चेंज क्यों कर रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ, चेंज क्यों कर रही है? रेडियस से और ओमेगा में क्या रिलेशन, कैसे रिलेट कर रहे हैं दोनों आपस में? रेडियस इनवर्सली ना, तो अगर एक्सपेंशन से आर बढ़ेगा तो ओमेगा, दैट्स व्हाई देयर इज डिक्रीजिंग। वैसे भी आर बढ़ने से आई बढ़ गया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो आई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ओमेगा घट जाएगा, बिकॉज आई इंटू ओमेगा बराबर कॉन्स्टेंट है ना, आई और ओमेगा का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म है, तो अगर आप आई को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ओमेगा विल डिक्रीज। ठीक है, यस बोलिए। रिजिड बॉडी के लिए आई ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है, मैंने ऐसे कभी नहीं बोला, मैंने बोला कि जहां पे नेट टॉर्क जीरो है और वो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है ना, तो आई ओमेगा बराबर कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी के लिए नहीं कह सकते ना। हाँ तो आगे क्वेश्चन क्या था, ये था, बोलो बोलो सर बोलो। अच्छा यू आर रिजिड बॉडी के रिस्पेक्टिवली बात कर रहे हो आई थिंक, लेकिन रिजिड बॉडी लेके लगा देंगे, रिजिड बॉडी एक्चुअली तो हम लोग ये पढ़ते थे ना कि दो पॉइंट्स के बीच कभी डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, बट यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा हीट कर रहे हैं वैसे, तो हीट की वजह से हो रहा है एक्चुअली, वहां पे ये लॉजिक रहता है कि फोर्स लगाने की वजह से चेंज नहीं आ रहा है। सॉल्व करते हैं, कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन आया करे ना, जैसे किसी में परसेंटेज चेंज पूछा है ना, ये फ्रैक्शन पूछा है फ्रैक्शन में चेंज, और आपको ये दिख रहा हो, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि दैट चेंज इज वेरी स्मॉल, तो आप उसमें ये एरर वाले से पार्शियल डिफरेंशिएशन जो करते हैं ना हम लोग प्रोसेस, ये कर सकते हैं। कल के पेपर में मैंने एक क्वेश्चन में किया, याद करो, जहाँ पे शायद म्यू प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन था, मैंने डेल्टा म्यू बाई म्यू बराबर 1/2 डेल्टा टी बाई टी कर दिया सीधे, वहां पे आप कर सकते हो पार्शियली। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, इसको ट्राई करना, अभी नहीं किया, करना ट्राई करना है इसको, करिए फटाफट बताइए क्या होगा। देखो भाई क्वेश्चन पहले आला, पहले तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन को समझ लो क्या है। अ ग्लास रॉड व्हेन मेजर्ड यूजिंग अ मेटल स्केल एट 30 अपीयर्स टू बी 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर टेक्निकली क्या है, ये है अगर आपको इससे बोलूं L1 L2 L3 में से बताओ कि ये 100 क्या है, तो आंसर आएगा सर ये 100 है L3, ठीक है ना, क्या है L3, और पूछा क्या है इन्होंने, ट्रू लेंथ, पहले पार्ट में ट्रू लेंथ एट 30, ट्रू लेंथ एट 30 का मतलब क्या हो गया, दे वॉन्ट टू नो L2, तो यू आर हैविंग L3, यू वॉन्ट टू फाइंड L2, ठीक, चेंज टेम्परेचर फ्रॉम कैलिब्रेटेड टेम्परेचर इज 30, है ना, तो बताओ ये वाला फॉर्मा लगाए कि ये वाला लगाए, सेकेंड वाला लगा लो, है ना, दिस फॉर्मूला आई विल यूज, रखिए वैल्यू पता, L2 100 एल्यूमिनियम, नहीं एल्यूमिनियम नहीं होगा फिर, यहाँ पे कौन होगा, रॉड का होगा ना, मेटल का मतलब स्केल वाले का है ना, तो मेटल का हमारा है 26, टेंगे माइनस 6 और डेल्टा टी हाउ मच 30, सो L2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट भाई, ये तुम्हारा सॉल्व करने पे आई थिंक आएगा 1+26 × 3 करोगे ना तो 78, टेंगे पावर माइनस 5, तो ये 100.078 सेंटीमीटर, ये आपके ए पार्ट का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया है, ए पार्ट का। फिर अगला पार्ट क्या पूछा है, फाइंड ट्रू लेंथ ऑफ ग्लास रॉड एट 0, दूसरा पार्ट में पूछा है ट्रू लेंथ ऑफ ग्लास रॉड एट 0, बताओ भाई इसे कैसे करोगे, हम्म,
हंड्रेड पॉइंट इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है एलेवन एक्स, ओके ठीक है एलेवन इंटू थर्टी, ये किया ये वाला फॉर्मूला लगाओ अच्छा, एल थ्री बराबर एल वन वन प्लस क्या फॉर्मूला था अल्फा अपेरेंट था ना शायद, तो अल्फा स्केल माइनस अल्फा लॉर्ड था ना, सही लिख रहा हूँ वो चेक कर लेना, अल्फा ई उल्टा था शायद यहाँ पे क्या हाँ अल्फा स्टील और एल्युमिनियम था ना हमारा, तो स्केल हमारा एल्युमिनियम का बना था ना क्यों भाई, तो एस था रॉड के लिए है ना, तो एक तरीके से यहाँ पे अल्फा ग्लास माइनस अल्फा एल्युमिनियम डेल्टा टी, ये है ना एक्सप्रेशन ठीक है। अब यहाँ पे हमें एल थ्री तो पता है एक्चुअली में कितना है वो, हमें एलेवन नहीं पता, इसको भी ऐसे लिखा रहे हैं, इसको बाय इज्जत उठाओ और कहाँ ले जाओ, यहाँ डिवाइड करा दो, तो डिवाइड कराओगे और फिर ऊपर ले जाओगे, पता है ना क्या डिफरेंसेस आएंगे, इसको ऊपर ले जाओ हंड्रेड इंटू वन प्लस अल्फा ग्लास माइनस अल्फा एल्युमिनियम ब्रैकेट डेल्टा टी की होल पावर माइनस वन, समझ में ही बात, अब माइनस वन कहाँ आ जाएगा आगे, तो क्या ये एलेवन ऐसा आएगा हंड्रेड वन माइनस अल्फा ग्लास अल्फा एल्युमिनियम ब्रैकेट डेल्टा टी, बोलो हाँ या ना, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा बता देना, देखो भाई सब है ना, अब अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो इट विल बिकम लाइक दिस हंड्रेड वन प्लस अल्फा एल्युमिनियम माइनस अल्फा ग्लास डेल्टा टी, और अल्फा एल्युमिनियम कितना है क्वेश्चन में हमारा 26 है और वो 8 है, हंड्रेड वन प्लस 26 माइनस 8 10 की पावर माइनस 6 और ये 30, तो यहां से कितना आ गया देखो 100 वन प्लस 18 इंटू 30 10 की पावर माइनस 6 यानी कि 540 बन रहा है शायद ये कुछ है ना, 18 इंटू 30 कितना बन रहा है, तो मुझे लगता है ये आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए 100.054 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना, आ रहा है क्लियर है बात सभी को, मैंने देखो उसी फॉर्मूले से किया है ना, तो आपको इस क्वेश्चन में बस ये देखना है कि L1, L2, L3 क्या है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, इन क्वेश्चन ये क्वेश्चन आसान होते हैं ध्यान रखना, लेकिन थोड़ा से टेक्निकल होते हैं, थोड़ा सा मतलब इसमें आपको जज करना पड़ेगा, अभी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर एक बार फिर से बताओ थोड़ा सा समझ में आ गया, बताइए भाई हमें जो रीडिंग गिवन थी वो L3 गिवन थी, पहले पार्ट में मतलब था हमें L2 निकालना है, मतलब 30 पे ही हमें लेंथ निकालनी है, यानी कि L2 निकालना है, फिर था 0 पे निकालना है, 0 का मतलब कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे निकालना है, तो यानी कि हमें L1 फाइंड करना है, 0 का मतलब क्या हुआ, हमें L1 फाइंड करना है, अब हमको L3 गिवन है, पहले हमें L2 निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर हमें L1 निकालना है, L3 की बने, तो L1 और L3 का रिलेशन हमारा यही तो आता है, याद करो फाइनली एक्सप्रेशन, बोलो हाँ या ना, नहीं समझ में आ रहा, पक्का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक अभी आगे बढ़ते हैं, करो भाई नोट, कर लो अप्रोच,
एल टू से भी अप्रोच कर सकते हैं उस तरीके से ना कि एल टू बराबर एल वन वन प्लस अल्फा ग्लास डेल्टा टी आ गया उससे, बट कैलकुलेशन पढ़ दी होगी शायद इसलिए फिर मैंने उससे बोला करने का। एल टू जो आया 100.078 उससे तो एलवन निकालना चाहते हो ना, आ जाएगा उससे आ जाएगा। अब यार डिपेंड करता है कि जिसने जो पहले कर लिया उसको अगले से उसकी आसान लगेगी। रॉड की ट्रू लेंथ कितनी है 100.054 सेंटीमीटर, इसकी ट्रू लेंथ है। और एक ऐसे स्केल से मेजर करा गया इसको जिसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से ज्यादा है रॉड से, उसकी लेंथ एक्चुअल से कम दिख रही है। समझाया था ना कि अगर आप ऐसा स्केल यूज कर लो जिसमें एक्सपेंशन ज्यादा हो आपके कंपेटिवली, तो आपकी हाइट आपका मेजर बढ़ने पे काम आएगी। देखो वैसा कुछ आ रहा है, एक्चुअल लेंथ 100.054 सेंटीमीटर है, बट जब 30 पे लिया है लेंथ उस स्केल से उसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से ज्यादा है, वो 100 आ रहा था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट पता है सभी को क्या होता है? क्या एक्सप्रेशन होता है? वी क्या होता है? कौन सा वॉल्यूम? वो किसके बराबर होता है? पूरा समबस पार्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ समबस पार्ट, ओके है ना, ठीक है सही बोल रहे। तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है जो अभी पार्शली अंदर है, पार्शली बाहर है, तो ये फ्लोट कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, इट इज फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का अगर वीडियो बनाओगे तो हमको पता है ऊपर क्या लगेगा? अपथ्रस्ट, जैसे कि आपने बताया अभी ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट और नीचे लगेगा इसका वेट mg। तो एट बाय फ्लोटिंग मतलब एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? अपथ्रस्ट बराबर mg, अपथ्रस्ट क्या होगा? v नॉट रो नॉट इंटू ग्रेविटी बराबर m इंटू g। इसे क्वेश्चन वन मान लेते हैं, अभी कैंसिल नहीं करते हैं ग्रेविटी, ठीक है। ऑन हीटिंग, अब इसको अपने टेम्परेचर का चेंज कर दिया, मान लीजिए मान लेते हैं डेल्टा टेम्परेचर का मैंने बढ़ा दिया। अब सोचो कि डेल्टा टेम्परेचर बढ़ा दें और अभी भी फ्लोट कर रहा है, अगर अभी भी फ्लोट कर रहा है तो जो नया अपथ्रस्ट होगा वो स्टिल किसके बराबर होगा? टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा सा बॉडी अंदर बाहर कुछ हुआ होगा, क्योंकि वो सब डिपेंड करेगा कि बॉडी का एक्सपेंशन कैसा है और लिक्विड का एक्सपेंशन कैसा है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपने हीट किया थोड़ा सा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, बट स्टिल इट इज फ्लोटिंग एंड फोर्स इज बैलेंस्ड, यानी कि जो नया अपथ्रस्ट होगा दैट इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू mg, स्टिल वो mg को ही बैलेंस करो, mg के बराबर ही होगा। तो भाई पहले वाला थ्रस्ट देखो और दोबारा वाला थ्रस्ट देखो, नया वाला थ्रस्ट देखो, दोनों ही mg के बराबर है। तो टेक्निकली इस प्रोसेस में क्या चेंज नहीं हुआ? अब थ्रस्ट चेंज नहीं हुआ, इस प्रोसेस में अब थ्रस्ट चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इट इज बैलेंसिंग mg ना, अब थ्रस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब पहले वाला अब थ्रस्ट लिखें अगर हम, तो v नॉट रो नॉट इनटू ग्रेविटी। अब नया वाला अब थ्रस्ट बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू अब थ्रस्ट? नया v डिस्प्लेस, बोलो, नया रो लिक्विड, भाई जो रो नॉट लिखा है दैट इज अ डेंसिटी ऑफ, है ना, रो एल नॉट का मतलब हो गया लिक्विड की इनिशियल डेंसिटी, ठीक है, इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से ग्रेविटी निकल गया, ठीक है, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है, वी डिस्प्लेस डैश बराबर रो एल डैश, ये सॉरी रो एल नॉट अपॉन, ये अभी रुक जाते हैं, इसको ऐसे लिखा है। अब मुझे साइड में एक बात बताओ, टेम्परेचर चेंज करने पे लिक्विड की डेंसिटी में क्या वेरिएशन आता है? रो नॉट अपॉन वन प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, याद है फॉर्मूला? ऊपर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, डिनोमीटर में रहेगा तो प्लस में रहेगा, ये कराया था ना मैंने, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर कराया होगा मैंने, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के मार रख दो, रखोगे तो क्या बनेगा, वन प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी और ये वी नॉट रो एल नॉट, तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया तो वी डिस्प्लेस बराबर वी नॉट वन प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, यानी वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है देखो, उसका एक्सप्रेशन मिल चुका है हमको, मतलब नया वी डिस्प्लेस जो है, नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ न्यू वी डिस्प्लेस इन द टर्म्स ऑफ पुराना वाला वी डिस्प्लेस इंटू वन प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो भाई, अब तो यहां पे एक फ्रैक्शन डिफाइन होता है, आपको याद हो कि वी डिस्प्लेस अपॉन वी टोटल होता है ना, पढ़ा होगा 19th क्लास में कि कितना फ्रैक्शन डूबा है कितना फ्रैक्शन बाहर है, या कितना फ्रैक्शन मतलब डूबा हुआ टोटल कितना पार्ट है, डूबा हुआ पोर्शन टोटल कितना पार्ट है, तो उसको अगर करना है तो भाई ये के हो गया, तो इनिशियल वाला जो के है वो हमारा सीधे वी नॉट बाई टोटल वी आ गया, बोलो आया ना। अब जब बाद वाला जो फ्रैक्शन होगा के डैश जिसको बोल सकते हैं, वो होगा वी डिस्प्लेस डैश अपॉन नया वाला वॉल्यूम। अच्छा, ओवरऑल बॉडी का वॉल्यूम जो होगा दैट विल चेंज और नॉट? क्यों? बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं? इट विल चेंज बिकॉज टेम्परेचर इज चेंजिंग, इट इज, मैंने अभी बोला था ना कि क्या होगा, कब अंदर जाएगा बाहर जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर, दोनों का एक्सपेंशन आपस में कैसे रिलेट कर रहा है, इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो मैंने पूछा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो बॉडी का वॉल्यूम पूरा जो था दैट विल चेंज और नॉट? आंसर यस, इट विल चेंज। तो अगर चेंज करेगा क्या बनना चाहिए, अगर बॉडी का मैं लीनियर एक्सपेंशन मान लेता हूं अल्फा, तो बताओ क्या आना चाहिए, क्या ये v वन प्लस गामा लिक्विड, ए सॉरी सॉलिड का लिख रहे ना, थ्री अल्फा डेल्टा टी, बोलो हाँ या ना, और ऊपर ऊपर क्या लिखे, v डिस्प्लेस डैश की जगह v नॉट वन प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये पुराना वाला फ्रैक्शन है, बोलो ये k है, के डैश बराबर के वन प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी अपॉन वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी। अब अगर आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशन यूज करके गामा इसको हम लोग उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कौन से फॉर्म में, के वन प्लस गामा लिक्विड माइनस थ्री अल्फा
डेल्टा टी, बोलो हाँ या ना, ये ले सकते कि नहीं? अरे भाई इस थ्री एल इसको नहीं ऊपर ले गए, मैनुअल थ्योरम लगाई सॉल्व कर लिया, बोलो हाँ या ना। तो ये नोट कर लो फटाफट, अगला कैसे हमारा अपरेंट डेट ऑफ अ बॉडी एट एनी टेम्परेचर। ठीक है देखो, अपरेंट वेट का फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं? जब किसी ऑब्जेक्ट को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं बताना जरा, जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की हेल्प से आप हैंग कर दो तो टेंशन कितना आता है? mg के बराबर आएगा। या आप स्ट्रिंग छोड़ दो, किसी ब्लॉक को आप स्प्रिंग बैलेंस से लगा के छोड़ दो तो उस ब्लॉक की bd क्या बनेगी? स्प्रिंग फोर्स अपॉन ए स्ट्रिंग फोर्स बराबर mg। बोलो क्लियर है? अब उसी अरेंजमेंट को अगर आप पानी में कर दो, अब bd बनाओ, ऊपर स्प्रिंग फोर्स के साथ साथ और कौन सा फोर्स हो गया? अब थ्रस्ट भी आ गया ना, स्प्रिंग फोर्स अब थ्रस्ट नीचे, स्प्रिंग फोर्स अब कितना होगा बोलो? कितना? mg माइनस अब थ्रस्ट। और हमें याद है मैं पहले वाले स्प्रिंग कितना हो गया mg था, अभी नया स्प्रिंग फोर्स कितना आया? mg माइनस अब थ्रस्ट कम हो गया। और हमको पता है कि स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है वो होती है स्प्रिंग फोर्स अपॉन ग्रेविटी। तो हमारा दूसरे वाले केस में स्प्रिंग फोर्स कम हो गया ना, तो रीडिंग भी क्या आ जाएगी? अब कम आ जाएगी। तो अपना वेट अगर आप स्प्रिंग बैलेंस से करना चाहते हो पानी के अंदर करो तो अपने आप आपका वेट कम हो जाएगा। तो आपको लगेगा हम कम भारी हैं, मतलब है ना, वेट लूज हो जाएगा। समझ में आएगा? तो अपरेंट वेट मतलब जो सेकंड केस का वेट आ रहा था ना, दैट इज अपेरेंट वेट, इट इज नॉट रियल वेट, इट इज अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट टेक्निकली क्या बनेगा बताओ फिर? अब रियल वेट माइनस अप थ्रस्ट, ये तो होगा रियल वेट माइनस, अरे mg माइनस अप थ्रस्ट, तो mg तो रियल वेट है ना। तो ये बात सबको पता है? नहीं पता थी? पता थी, अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात। तो अगर मैं इनिशियली अपरेंट वेट लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं कि W माइनस F अप थ्रस्ट, ये इनिशियली हो गया। जहां अप थ्रस्ट हमको पता है क्या है? V नॉट रो L नॉट इंटू ग्रेविटी। ठीक है, बोलो आया ना। अब मुझे ये बताओ वी एल नॉट को हम क्या, रो एल नॉट को हम क्या लिखेंगे? रो नॉट
एक मिनट, सॉरी सॉरी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये तो इनिशियली है ना। अब इसको डुबो दो, मतलब नहीं डुबो दो नहीं, सॉरी, अब टेम्परेचर बढ़ा दो तो एक्सप्रेशन तुम्हारा ये बनेगा। अच्छा ये बात, डब्ल्यू अपरेंट की जगह डब्ल्यू अपरेंट डैश कर दिया है तो क्या यहाँ चेंज होगा? अरे वो तो वही रहेगा ना, रियल वेट थोड़ी ना टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, तो फिक्स वही रहेगा। माइनस एफ अपथ्रस डैश, तो भाई डब्ल्यू माइनस ये हो गया तुम्हारा कितना, ये एरो वाली जो बात है वो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अब वी डैश और रो एल डैश कर देता हूं। अब मुझे बताओ रो एल डैश कितना होगा? रो एल नॉट अपॉन, बोला करो, देखो गामा लिक्विड डेल्टा टी, वी डैश बताओ, वी डैश कितना होगा? वी वी नॉट 1 प्लस, 1 प्लस व्हाट? गामा ऑफ व्हाट? गामा ऑफ व्हाट? सॉलिड की लिक्विड? सॉलिड, गामा सॉलिड या 3 अल्फा, लिख दो, एक ही बात होगी वो। तो ये को यहां पे अपथ्रस चेंज हुआ कि नहीं? ये चेंज क्यों हो गया? अभी तो पिछले में नहीं चेंज कराया था ना, इसमें चेंज कैसे हो गया? ये कैसे जादू हो गया ना? लग रहा है किसी को पता है ऐसा क्यों, मतलब यहां पे चेंज हो गया, वहां पे चेंज नहीं हुआ था, किसी को पता है ऐसा क्यों हो रहा है? जी टेम्परेचर सब में चेंज, दोनों में चेंज हो रहा है, डेंसिटी बदल गई। मैं बताऊं जी, अरे पिछले वाले केस में फ्लोटिंग था, यहां पे वो सिंक है। अपरेंट वेट का कंसेप्ट तभी आएगा जब बॉडी सबमर्ज होगी, डूबी हुई होगी। अगर सबमर्ज होगी ना तभी वो कंसेप्ट आएगा, समझ रहे हो? और जब सबमर्ज होगी और अपरेंट वेट आप मेजर कर रहे होगे तो वहां पे आप ये तो बोल ही नहीं सकते हो कि अपथ्रस इज बैलेंसिंग। एमजी, यू कांट से अपथ्रस इज बैलेंसिंग। अगर अपथ्रस एमजी को बैलेंस कर दिया तो रीडिंग फिर जीरो आ जाएगी, समझ में आ रही बात? जब ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है ना तभी तक अपथ्रस एमजी को बैलेंस करता है। नहीं समझ में आया बात? ठीक है, तो फिर आगे स्कोर प्रोसीड करते हैं। तो डब्ल्यू माइनस, तो हमारा कितना आएगा फिर? अपथ्रस लिखो फटाफट यहां पे। देखो ऐसा करता हूँ, वी नॉट रो एल नॉट इंटू ग्रेविटी बाहर कर लेता हूँ, अंदर बचेगा क्या? ऊपर में ये बचेगा और नीचे ये रहेगा डिनोमीटर में, तो इसको थोड़ा सजा लेता हूँ। 1 प्लस गामा एस माइनस गामा लिक्विड ब्रैकेट डेल्टा टी, बोल ले सकता हूँ ये चीज, हाँ या ना? बताओ, ये चीज मैं लिख सकता हूँ। और ये हमारा हो गया पहले वाला थ्रस्ट, तो ये बन गया डब्ल्यू अपरेंट डैश बराबर रियल वेट माइनस पहले वाला थ्रस्ट 1 प्लस गामा एस माइनस गामा लिक्विड डेल्टा। ये एक एक्सप्रेशन आ गया है, अब इस एक्सप्रेशन को तुम अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। जैसे इसमें मैं एक छोटी सी बात पूछूं, जरा बताना जरा सभी लोग, अगर गामा एस बड़ा है गामा लिक्विड से, बताता ध्यान सोच के बताना, गामा एस बड़ा है, सभी लोग ध्यान सोच के बताना, ठीक है। और टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूं तो बताओ मुझे डब्ल्यू अपरेंट डैश और डब्ल्यू अपरेंट में क्या डिफरेंस हो, कौन ज्यादा होगा? हु विल गेट अप? डब्ल्यू अपरेंट डैश ज्यादा होगा, डब्ल्यू अपरेंट ज्यादा होगा, दिस विल बी हायर डैश वाला, क्यों? तो मतलब तुम जो रीजन दे रहे हो उसके पीछे अपना कोई लॉजिक लगा रहे हो, कि थ्योरी जो पढ़ा रहे हो उससे लगा रहे हो, उससे बढ़ने मतलब नहीं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस।
तो ये माइनस आ जाएगा ना, और तुम डेल्टा टी बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू माइनस में बढ़ती जाएगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे ना तो समझ जाएगा सब थ्योरी से ही पूछ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसी से पूछ रहे हैं, हमें अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये आएगा, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना, सॉलिड का गामा ये है, लिक्विड का गामा ये है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो बताओ क्या होगा अपेरेंट वेट में डिफरेंसेस, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन कर दें, अब बताओ क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, टेम्परेचर को कम करें गामा एस को बढ़ा दें, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है ना यार, ये कैसे बढ़ा दो, गामा ऑफ लिक्विड एक्सपेंशन कोएफिशिएंट तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको तुम कैसे बढ़ाओगे। क्वेश्चन में बढ़ा, क्वेश्चन में दे देंगे यहाँ ये इसका फंक्शन है तो बात अलग है भाई, वो हमें नहीं पता, बट यूजली नॉर्मली हम गामा अल्फा को सबको हम किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए कॉन्स्टेंट एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। अगला एक लास्ट केस और है, दैट इज अ केस 12। जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे ना तो आपको सारे केस कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में मिले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है केस बायमेटालिक स्ट्रिप, बायमेटालिक स्ट्रिप, नेक्स्ट केस है आपका बायमेटालिक स्ट्रिप, इसको थर्मोस्टैट भी कहते हैं, जैसे मान लो कि देयर इज टू रॉड, तो मान लेते हैं कि यहां पे दो रॉड्स हैं, ठीक है। अब इस रॉड को अगर, और इसका लेंथ है अभी एल नॉट, इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा वन है, इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा टू है, और ये अपने एंड से एकदम रिजिड है। रिजिड का सेंस मतलब ये हुआ कि जब हम हीट करेंगे ना इनको, तो भले एक्सपेंशन कोएफिशिएंट डिफरेंट है लेकिन जो, ऐसे सपोज करो ये दो फिंगर्स ऐसे ऐसे कुछ जॉइंट है, तो अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इसका जो एंड है इसके एंड को क्रॉस कर जाए, है ना, एंड का जो फेस होंगे एकदम एक दूसरे के सामने ही होंगे। तो अब अगर इसको मैं हीट करूं क्या होगा बताओ, क्यों, शेप बताओ, ठीक है, स्ट्रेस आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, शेप कैसा होगा, हाउ इट विल शो इट्स एक्सपेंशन, कर्व बेंड होगा, कर्व बन जाएगा, इट विल बेंड, कर्व बन जाएगा, ये आपकी बेंड हो जाएगी, ठीक। जिसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, जैसे अगर हम इसको कुछ ऐसे बेंड कर दें, मतलब ऐसे बेंड हो गई, या एक मिनट को, सॉरी, ऐसे, हाँ जी, ये ऐसे, ये स्ट्रक्चर आएगा, तो कौन सी लेंथ ज्यादा दिख रही है, तो आंसर है ऊपर वाली, जो जो है ना ऊपर वाला से, उसका आर्क का लेंथ ज्यादा होगा ना, कम, क्योंकि उसके लिए रेडियस ज्यादा होगा, r बराबर थीटा इनटू रेडियस,
इस आर्क के लिए रेडियस कंपेटिवली थोड़ी सी कम है, इसका लेंथ ज्यादा होगा, इसका लेंथ कम होगा। तो अगर इसका मतलब ये अल्फा वन हो गया और ये अल्फा टू हो नहीं गया, मतलब अल्फा वन ज्यादा हो गया अल्फा टू से, तो पहले से दिखा रखा है अल्फा वन अल्फा टू से। अगर ये सीन आता क्लियर है ना बात। अब इसका यूज कहां पे वो दिखाता हूं। जैसे ये मान लेते हैं ऐसे ही मैंने मान लिया, मान लो यहां पे कोई एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है RL, कुछ ये है डायग्राम। ठीक है, अब अगर मैं मान लो ये स्विच की को क्लोज कर दूं, यहां से करंट फ्लो करेगा, बोलो ये रेजिस्टेंस है, जब करंट फ्लो करेगा तो सर्किट में हीट जनरेट होगी, तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, और ये इधर से सर्किट से जुड़ी हुई है, इन शॉर्ट रिजल्ट मान लो इधर पे वाले इस वाले के दोनों एंड ऐसे फ्री थे इसके ना, बट यहाँ पे इसको मान लो कि इधर से रिजल्ट है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्ट्रक्चर कैसा आएगा बताओ, सोच के। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो गया अगर, तो क्या ये बेंड होके कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी बताना। बोलो इस फॉर्म में आने की कोशिश करेगी ना, तो जब ऐसे हो जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया शायद, तो करंट फ्लो होना हमारे प्रेस में यही तो होता है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ऑन, इसी से तो है। एक सर्टेन लेवल जब पहुंच जाता है तो वो सच दैट बेंड हो जाता है तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक, और जब वापस ठंडा होता है वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाता है, फिर स्विच ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यही तो प्रोसेस है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसमें अब डायग्राम बना लो, फिर एक चीज समझाते हैं और। हाँ, फायर अलार्म्स भी इसी पे वर्क करते हैं। समझ में आ गई बात सारी।
आईआईटी में एक बार एक क्वेश्चन आया था कुछ इसी से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड था, जैसे ये आपको स्ट्रिप दे रखी, दो रॉड्स दे रखी हैं, दोनों कांटेक्ट में है और ये लेंथ एल नॉट है। अब इसको अगर हीट करेंगे तो हमको पता है कि एक आर्क बनेगा, क्या बनेगा, एक आर्क बन जाएगा। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दैट आर्क, कुछ इस तरह का शेप बनेगा वो। तो जैसा एक अगर आप हीट करोगे, मान लो अगर ये टी पे है तो ये हो गया टी प्लस डेल्टा टी, ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये एक पर्टिकुलर ये आर का शेप गेन कर रहा है शायद, क्यों? अगर ये आर्क का शेप गेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्यों? तो अगर ये सेंटर मान लें हम ये वाले पॉइंट को, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अच्छा, इनिशियली दोनों रॉड की लेंथ कैसी थी? अब अगर इस, अब क्या हो जाएगा, दोनों रॉड की लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस, ये वाली मान लेते हैं L1, ऊपर वाली, नीचे वाली L2। अब अगर मैं ध्यान से देखना ये बात को, अगर मैं इस थिकनेस को T मानूं, क्या मानूं, तो ये बताओ जरा मुझे सोच के, क्या L1 को मैं और ये रेडियस को R मान लूं, क्या L1 को मैं R प्लस टी इंटू थीटा बोल सकता हूं और L2 को मैं R इंटू थीटा कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना, क्योंकि इस रॉड के लिए रेडियस R हो गई, इसके लिए रेडियस R प्लस टी हो गई। ठीक है, इतना बात समझ में बिल्कुल नहीं आया तो हमको, अच्छा ये जो लेंथ में चेंज है ये टेम्परेचर बढ़ाने पे हुआ है, कि यही L1 बराबर L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होगा। अरे हाँ या ना, और L2 जो होगा L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी होगा। तो यहां से अगर L1 L2 की वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा R प्लस टी ब्रैकेट में थीटा बराबर L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और यहां पे क्या बनेगा, R इंटू थीटा बराबर L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इतना स्टेप समझ में बिल्कुल नहीं आया, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो LHS में थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और R से डिवाइड हो जाएगा, R plus T by R, ये बनेगा शायद कुछ, है ना? और RHS में L0 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इतना समझ में कुछ नहीं आया, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं और बाइनोमियल थ्योरम लगा के मल्टीप्लाई करा के अप्रोक्सीमेशन लगा दूं, क्या बोल रहा समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया, ऊपर ले जाऊं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं मल्टीप्लिकेशन करूं फिर अप्रोक्सीमेशन लगा दूं, तो क्या RHS में मैं ये ले सकता हूं 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी? नहीं समझ में आया कुछ। और ये आ गया तुम्हारा LHS में 1 प्लस टी बाई आर, अरे आर से डिवाइड कर दिया, ये 1 और ये 1 निकल लिया, क्या आपका टी बाई आर
इज इक्वल टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू ब्रैकेट डेल्टा टी बना। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है आर अल्फा वन अल्फा टू एंड डेल्टा टी में। तो आईटी में क्वेश्चन है मिलेगा भी शायद आपको, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें प्रोपोर्शनलिटीज पूछते हैं कि दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस डेल्टा टी से कैसे रिलेट कर रहा है, रेडियस अल्फा वन अल्फा टू से कैसे रिलेट कर रहा है, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो आप ये रिजल्ट देखोगे तो आपको उससे आप आंसर मिल जाए, ठीक है ओके। तो बस यहां से आपका वो टॉपिक, एक्सपेंशन वाला टॉपिक आपका यहां से खत्म।